हम आप लोग देखोगे किस तरह से 2023 में एक नए वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई किया जाता है। वोटर आईडी कार्ड को आप दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट है ऑनलाइन और दूसरा है ऑफलाइन। ऑनलाइन तरीके में अगर आपके पास में स्मार्टफोन, कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप, इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा है ऑफलाइन। ऑफलाइन तरीके में आपको अपने क्षेत्र के बीएलओ अधिकारी से संपर्क करना होगा, देन उसके बाद में आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को उन्हीं के पास सबमिट करना होता है। बाद में बीएलओ अधिकारी आपके वोटर आईडी कार्ड को अप्लाई कर देते हैं। इन दोनों तरीकों में अगर हम बात करें कि सबसे अच्छा और आसान तरीका कौन सा है, तो सबसे अच्छा और आसान तरीका है ऑनलाइन। ऑनलाइन तरीके में आपको कहीं पर आने जाने की ज़रूरत नहीं होती है, आप घर बैठे ही वोटर आईडी कार्ड को अप्लाई कर पाते हो। अब बात आती है कि अगर आपको वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करना है तो इनमें कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक है। तो नंबर वन पर आता है आधार कार्ड, आपके पास एक आधार कार्ड होना जरूरी है। और दूसरा है पासपोर्ट साइज कलर फोटो, और तीसरा है आपका एक वैलिड मोबाइल नंबर। ये तीन चीज़ें अगर आपके पास अभी प्रेजेंट टाइम में मौजूद हैं तो आप वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करने के लिए इसकी फ़ीस कितनी है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसकी कोई भी फ़ीस जारी नहीं की है। यानी कि अगर आपको अपने वोटर आईडी कार्ड में कोई करेक्शन करना है या फिर आपको एक नया वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो आप फ्री में ही कर सकते हो, इसका कोई भी चार्जेस नहीं है, इसके लिए कोई भी फीस अभी तक जारी नहीं की गई। वोटर आईडी कार्ड को अप्लाई करने के बाद में अप्रूवल होने में लगभग 10 से 15 दिन का टाइम लग जाता है। जब आपको अप्रूवल मिल जाता है उसके एक सप्ताह के अंदर में ही आपके घर के पते पर वोटर कार्ड को डिलीवर कर दिया जाता है। ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने में लगभग 25 डेज का टाइम लग जाता है, कभी कभी किसी रीजन की वजह से एक महीने से भी ज़्यादा का इसमें टाइम लग जाता है। तो ऐसे में आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं करनी है, बस आपको वेट करना है। अगर आपको अप्रूवल मिला है और आपने सारा कुछ सही अपलोड किया हुआ है, कोई भी मिस्टेक नहीं है, तो 100% आपका वोटर कार्ड जरूर बनेगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं वीडियो को और आपको दिखाते हैं किस तरह से वोटर आईडी कार्ड को अप्लाई किया जाता है। सो दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल है, सो वीडियो को कंटिन्यू वॉच करें एंड तक। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन करना है और आपको यहाँ पर सर्च करना है वोटर हेल्पलाइन। आप यहाँ पर देख पाओगे, जैसे ही आप वोटर हेल्पलाइन लिख करके सर्च करोगे तो आपके सामने ये वाला एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाता है, इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। तो अभी आप देख सकते हो मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूं। दोस्तों जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है तो हमारे सामने यहां पर ओपन लिख करके आ जाता है। तो सिंपली हम ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और हमारा जो एप्लीकेशन है ओपन हो रहा है। अभी आप देख सकते हो वोटर हेल्पलाइन भारत निर्वाचन आयोग यहां पर लिखा गया है। दोस्तों ओपन करते ही हमारे सामने यहां पर एक डिस्क्लेमर का ऑप्शन आता है, तो यहां पर सिंपली आई एग्री वाले बॉक्स पर हमें क्लिक करना है और सिंपली नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर चूज लैंग्वेज का ऑप्शन आता है, तो आपको सिंपली अपने मुताबिक जो आपको लैंग्वेज आती हो या आपको जो पसंद है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, हिंदी इंग्लिश। तो सिंपली हम इंग्लिश को रहने देते हैं, गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर नीचे क्लिक करना है। उसके बाद में इस प्रकार से आपके सामने डैशबोर्ड खुल करके आ जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हमको अप्लाई करना है नया वोटर आईडी कार्ड के लिए, तो सिंपली यहाँ पर वोटर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो हमें इसी के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 6 का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो सिंपली हमें इसी के ऊपर क्लिक करना है। और इतना करते ही आपके सामने आप देख सकते हो, जैसे आप फॉर्म 6 वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो हमारे सामने यहाँ पर मोबाइल नंबर और सेंड ओटीपी का ऑप्शन आ जाता है। तो अगर आप इसमें फर्स्ट टाइम यूजर हैं, आप अभी तक इसमें कभी भी लॉगिन वगैरह नहीं किए हैं, तो आपको सिंपली न्यू यूजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप न्यू यूजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको सिंपली यहाँ पर मोबाइल नंबर देना है, उसके बाद में सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप कोई भी एक मोबाइल नंबर दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके आधार कार्ड में वही रजिस्टर्ड होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उस पर एक ओटीपी जानी चाहिए। क्योंकि आप एक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको एक मोबाइल नंबर देना होगा, सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, उसके बाद में ओटीपी आपको फिल करना है, देन उसके बाद में आपको एक स्ट्रांग पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। तो दोस्तों इसमें मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूं, तो यहां पर सिंपली मैं उसी मोबाइल नंबर को फिल करता हूं, सिंपली सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो सिंपली आपके नंबर पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी, तो आपको ओटीपी को यहां पर फिल करना है और जो आपने पासवर्ड स्ट्रांग क्रिएट किया था वो पासवर्ड आपको यहां पर फिल करना है, लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि आप तुरंत रिडायरेक्ट हो जाते हो सेम उसी डैशबोर्ड पर। दोबारा से आपको वोटर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, न्यू यहाँ पर जो न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 6 का ऑप्शन दिया गया आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। देन उसके बाद में आप वोटर हेल्पलाइन वाले एप्लीकेशन में यहाँ पर नीचे आपको लेट्स स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है, आपको उसी के ऊपर क्लिक करना है।
यहाँ पर पूछा जाता है आप इसमें फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो यस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक रहने देते हैं, देन उसके बाद में नेक्स्ट कर देना है। इतना करने के बाद में आपको अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है, जो डिस्ट्रिक्ट है आपको डिस्ट्रिक्ट, आपको जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो विधानसभा है, जो आपके डेट ऑफ बर्थ है, देन उसके बाद में यहाँ पर सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट में आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको आधार कार्ड सिलेक्ट कर देना है। नीचे आना है, आपको यहाँ पर आधार कार्ड का जो फ्रंट पेज है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी रहती है उसको यहाँ पर अपलोड करना है, उसके बाद नेक्स्ट। इतना करते ही आपको यहाँ पर अपलोड पिक्चर का ऑप्शन आता है, तो जो आपके पास एक पासपोर्ट साइज कलर फोटो है उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद में मेल फीमेल जेंडर को सिलेक्ट करना है, देन उसके बाद आपको नेम में आना है, यहाँ पर आपको इंग्लिश में टाइप करना है, हिंदी में ऑटोमेटिक ही कन्वर्ट होकर के आ जाता है। अगर यहाँ पर कोई भी मिस्टेक है या फिर कन्वर्ट होकर के नहीं आता है तो आपको इस पर क्लिक करके हिंदी में भी टाइपिंग कर देना है, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके नेम के आगे कोई सरनेम है तो आप हिंदी इंग्लिश में यहाँ पर टाइप करेंगे, देन उसके बाद में आपको यहाँ पर आधार डिटेल्स वाले ऑप्शन पर आपको अपना आधार नंबर फिल करना है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आपको इस वाले ऑप्शन पर नीचे बॉक्स पर क्लिक करना है, लेकिन अगर आपके पास में आधार नंबर नहीं है तो आपको पहले से ही आधार नंबर को ना सिलेक्ट करके किसी और डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना होगा। अगर आपने आधार कार्ड सिलेक्ट कर दिया तो आपको यहाँ पर आधार नंबर फिल करना मैंडेटरी हो जाता है। नीचे आना है, आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर रिलेटिव का फिल कर सकते हैं या फिर आप खुद का अपना भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इतना फिल करने के बाद में आपको सिंपली नेक्स्ट कर देना है। तो नेक्स्ट करने से पहले आपको नीचे यहाँ पर डिसेबिलिटी का ऑप्शन मिलता है, तो अगर आपको किसी प्रकार की दिव्यांगता है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, अन्यथा इसको छोड़ करके नेक्स्ट कर देना है जैसा मैंने आपको बताया। नेक्स्ट करते ही आपके सामने रिलेशन टाइप का ऑप्शन आ जाता है, तो आपको फादर मदर वाइफ लीगल गार्जियन जो भी हो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, तो सिंपली आपको यहाँ पर फादर को ही सिलेक्ट रहने देना है। नीचे आना है, आपको फादर का नेम इंग्लिश में उसके बाद में हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट होता है, अगर नहीं होता है तो आपको हिंदी में भी टाइपिंग करना है। लास्ट नेम है फादर नेम में तो वो भी हिंदी इंग्लिश में टाइप करना है, उसके बाद नेक्स्ट। इतना करते ही आपके सामने यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर हाउस नंबर फिल करने का ऑप्शन आ जाता है, तो आपको हिंदी इंग्लिश में भी यहाँ पर भी सेम वैसे ही टाइप करना है। यहाँ पर जितनी चीज़ें होती हैं एक बार आपको इंग्लिश में उसके बाद में हिंदी में आपको टाइपिंग करना होता है। यहाँ पर आपको स्ट्रीट एक जो आपकी एरिया है या मोहल्ला है लोकलिटी जो भी है आपको यहाँ पर इंग्लिश हिंदी में टाइप करना है। विलेज है आपका या टाउन है वो भी आपको यहाँ पर फिल करना है। पोस्ट ऑफिस जो भी होगा आपको इंग्लिश में हिंदी में टाइप करना है। आपका जो पिन कोड है आपको पिन कोड फिल करना है। अगर आपका तहसील है तालुका है मंडल है उसको भी आपको इंग्लिश हिंदी में टाइपिंग करना है। नीचे आना आपको सिलेक्ट एड्रेस प्रूफ में आपको सिंपली यहाँ पर आधार कार्ड को ले लेना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर आधार कार्ड का जो बैक साइड फोटो है जिसमें आपका एड्रेस मेंशन किया रहता है उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना है। के भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2 MB में मैक्सिमम साइज इसकी होनी चाहिए, JPG या यहाँ पर आप देख सकते हैं JPEG या JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद में नीचे आप आएंगे यहाँ पर डिटेल्स ऑफ माई फैमिली मेम्बर, तो यहाँ पर आप किसी और को भी फैमिली मेम्बर में ऐड कर सकते हैं, मदर को वाइफ को भी आप चाहे तो फादर को भी ऐड कर सकते हैं सेम, तो सिंपली हम यहाँ पर फादर को ही ले लेते हैं। उसके बाद में फैमिली का जो नेम है मेंबर का उसको आपको यहाँ पर फिल करना है, रिलेशन में टाइप किया हुआ है अगर उसका एपिक नंबर, उसका अगर वोटर आईडी कार्ड का नंबर है तो आपको यहाँ पर फिल करना है, अगर नहीं है तो इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ करके आपको नेक्स्ट कर देना है। इतना करते ही आप यहाँ पर देखोगे कि ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन में जो आपका स्टेट है यहाँ पर फिल रहता है। सिंपली आपको जो आपका डिस्ट्रिक्ट है आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, देन उसके बाद में आपका जो भी विलेज है आप अपने विलेज का नेम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं। उसके बाद में आपको सिलेक्ट डेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ओके कर देना है, जो भी डेट को आप यहाँ पर अप्लाई करें वो डेट ऑटोमेटिक यहाँ पर मेंशन हो जाती है। उसके बाद में नीचे आपको आना है प्लेस ऑफ एप्लीकेशन में, आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम या अपने विलेज का जो भी नेम होगा वो दे सकते हैं। देन उसके बाद में सिंपली आपको डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक बार आपके सामने पूरा फॉर्म 6 का प्रीव्यू आ जाता है, एक बार आपको चेक करना है, अगर इसमें कोई भी मिस्टेक लगती है तो आपको कट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको दोबारा से एडिट करना है। इस प्रकार से नीचे से ऊपर की तरफ आपको स्क्रॉल अप करना है। अगर आपको सारी डिटेल सारी जानकारी सही लगती है तो सिंपली आपको कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर थैंक यू का मैसेज आता है, यहाँ पर आपके सामने एक रेफरेंस नंबर जनरेट होकर के आ जाता है, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसको आपको सुरक्षित रख लेना है क्योंकि बाद में आप इसी रेफरेंस नंबर से आप अपने वोटर आईडी कार्ड को ट्रैक करोगे। तो दोस्तों अगर आप ट्रैक करना नहीं जानते हैं तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाद में आप जा करके अपने वोटर आईडी कार्ड को ट्रैक कर सकते हैं कि आपका वोटर आईडी कार्ड बन गया या फिर नहीं बन गया या कहाँ तक आपको अप्रूवल मिला है, वो सारा कुछ आपको लाइव वहाँ पर दिखाई देता है। सो दोस्तों इस तरह से आप वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई कर पाओगे।
तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगी। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और साथ में इसको शेयर भी करें, और चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें। आगे भी आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं हम अपनी एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।